मैंने तो इतनी सारी वोकैब यूज़ की, फिर भी मेरे बैंड क्यों नहीं आए? आज मैं आपको बताऊंगी ये टास्क 6.5 बैंड क्यों डिज़र्व करता है, चाहे इसमें कुछ इतने खास वर्ड्स नहीं हैं, वोकैब नहीं है, लिमिटेड वोकैब है। ओके, तो टास्क है कि क्रिमिनल्स को लेंथी जेल टर्म्स मिलनी चाहिए और कई कहते हैं कि नहीं, उनको री एजुकेट करना चाहिए। ओके, इंट्रो देखते हैं। Every human is created by God with equal abilities. Some love to help others while some adapt bad habits and tend to become criminals by doing crimes in the society. Okay, connect करके बोला है पूरा। आप इसको sample answer भी consider कर सकते हो। Let me check किया है ताकि आपको mistakes पता चल जाएं। Okay, bad habits होने से crime करते हैं, criminal बनते हैं। Punishing them becomes a necessity फॉर द सेफ्टी ऑफ सोसाइटी। पनिशमेंट से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि था ना टास्क की पनिशमेंट करनी मिलनी चाहिए कि नहीं। अ स्कूल ऑफ थॉट सेज दैट क्रिमिनल शुड बी पनिश्ड विद लेंथी जेल टर्म्स वाइल अदर्स से दैट री एजुकेशन ऑफ क्रिमिनल इज एसेंशियल। आई एग्री विद द लेटर स्टेटमेंट एज लेंथी जेल टर्म्स वुड नॉट बेनिफिट एनी वन। सेकेंड वाली से एग्री कर रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट वाली बेनिफिट नहीं पहुँचाएगी किसी को भी। वेल एक्सप्लेन्ड, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि क्या होता है। आप पूरा टास्क देखना, इसमें सिंपल वर्ड्स यूज़ किए हैं बट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज़ किए हैं। टास्क पूरा वेल एक्सप्लेन्ड है, इसलिए इसको मिलते हैं 6.5 बैंड। मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप जितने मर्जी अच्छे वर्ड्स यूज़ कर लो, अगर आपका टास्क वेल एक्सप्लेन्ड नहीं है तो आपको अच्छे बैंड नहीं आएंगे। आपका रेलिवेंट टास्क नहीं है, उसके रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई है कि रेलिवेंट टास्क क्या होता है, प्लेलिस्ट में चेक कर लो। आइल्स टिप्स लास्ट मिनट टिप वाली टाइटल दिया होगा मैंने, कि आपको पता लिखना कुछ और है, आप लिखी कुछ और जा रहे हो, आप बोलोगे नहीं ठीक है तो कभी भी आपके बैंड नहीं आएंगे। सिंपल लिखने से भी जहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए उस पे फोकस करके 6.5 आ सकते हैं। तो 7 की मोस्टली रिक्वायरमेंट होती है ज़्यादा से ज़्यादा, अदरवाइज 6.5 ही होती है, राइट? तो क्या करना है, फोकस करना है इम्पॉर्टेंट थिंग्स के ऊपर। यहाँ पे देखें, टू कमेंस विद, बाय पनिशिंग क्रिमिनल्स विद लेंथी जेल टर्म्स मे मेक देम रियलाइज देयर मिस्टेक एज दे विल बी अवे फ्रॉम देयर फैमिली एज वेल एज विल बी अनेबल टू लिव देयर लाइफ फ्रीली। चाहे ऐसा हो सकता है बट दिस रियलाइजेशन इज वेरी रेयर, बहुत कम होती है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस क्रिमिनल्स टेंड टू प्लॉट अ रिवेंज अगेंस्ट दोज पर्संस हु सेंड देम टू जेल। उसके अगेंस्ट रिवेंज करते हैं। पूरा अच्छे से समझ आ रहा है, कुछ भी सोचने का नहीं मिल रहा, सोचना नहीं पड़ रहा कि क्यों ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्या होता है, कुछ भी सोचना नहीं पड़ रहा आपको इस टास्क को पढ़कर। जो मेन इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनर को कंफ्यूज नहीं करना है, ईजिली सब कुछ क्लियर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट करते हैं। मोर ओवर दे ऑल्सो मेक प्लान्स टू हर्ट द फैमिली ऑफ दैट पर्सन, सो कीपिंग क्रिमिनल्स इन जेल फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वुड नॉट बेनिफिट एनीवन। कि बता दिया कि क्या नुकसान हो सकते हैं। BP2 में देखें, ऑन द अदर हैंड री एजुकेटिंग क्रिमिनल्स बिफोर री इंट्रोड्यूसिंग दैम इन द सोसाइटी हैज़ मैनी मेरिट्स। इन मोस्ट ऑफ द केसेज दीज क्रिमिनल्स आर ब्रेन वॉश्ड बाय अदर्स विच फोर्सेज दैम टू डू डिफरेंट क्राइम्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज हुए हैं ना, विच फोर्सेज दैम, फुल स्टॉप लगा कर अगर किया होता है इट फोर्सेज दैम, तो वो सिंपल सेंटेंस होता है ना, कॉम्प्लेक्स किया हुआ है। इन अ सर्वे बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इट वॉज ऑब्जर्व दैट नियरली 60% ऑफ द क्राइम्स आर डन बाय दोज पीपल हु वर इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर इविल माइंड्स। दे हैड माइनर प्रॉब्लम इन देयर लाइफ बट अदर पर्सन टुक एडवांटेज by brain washing them। आपको सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में डिफरेंस पता होएगा, तो जो आप लाइन से कनेक्ट करके लिख सकते हो उसको लिखो। अगर आपको देखो, अगर पीपल के साथ विच लगा रहे हो, क्योंकि वो तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए लगता है ना, तो वो आपका वो भी थोड़े से बैंडिडक्ट होने के चांसेस है, लेकिन आपने ट्राई तो किया, वो फिर भी कंसिडर होता है 6.5-7 के बीच, लेकिन ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ओके, और नेक्स्ट है, सो इट वुड बी बेटर टू री एजुकेट देम फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन। इन एडिशन टू दिस
They can also regret what they did with other if they are sent for rehab, as they will get time to think calmly about their deed. Moreover, they will also stop others from doing such kind of crimes which they did if they are re-educated before reintroducing in the society. मुझे आपको ये सारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी में आप इजीली समझ पा रहे होंगे. मेरा मेन मोटिव ये है कि इस टास्क को सिंपल वर्ड्स में लिखने से भी वेल एक्सप्लेन्ड होएगा तो, और थोड़े से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज़ किए होंगे तो इजीली इसको 6.5 मिल सकते हैं. इससे ज़्यादा भी मिल सकते थे अगर थोड़ी सी एरर्स कम होती. और थोड़ा कंक्लूजन में थोड़ी गड़बड़ है. टू कंक्लूड, री एजुकेशन एंड रिहैब हैव मोर बेनिफिट्स एज दे कैन स्टार्ट देयर लाइफ अगेन बट दिस टाइम इन गुड मैनर. दिस टाइम इन गुड मैनर ये थोड़ा सा रॉन्ग एक्सप्रेशन है. तो बस मैं ये नहीं कह रही कि थोड़ी सी गड़बड़ होने के कारण आपका हाफ पैंट कट हो गया. मैं ये बोल रही हूँ कि ये एरर थोड़ी सी और एरर्स हैं जिसकी वजह से 7 हो सकते थे लेकिन नहीं हो पाए. तो माइनर मिस्टेक्स बट वेल एक्सप्लेन्ड. सो आपको इतने डिफ़िकल्ट वर्ड्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं है. मेन आपको पता होना चाहिए कि 6.5 बैंड कैसे लेने हैं. वैसे तो लिमिटेड वोकैब का मतलब है, जैसे अगर आपको वर्ड यूज़ करें ना गुड, बार बार गुड गुड गुड. हाउ इज़ योर मदर? गुड. शी इज़ गुड. हाउ इज़ योर फादर? ही इज़ गुड. हाउ आर यू? आई एम गुड. गुड गुड गुड. मतलब ऐसे बार बार सेम वर्ड यूज़ करें ना, इतनी भी मतलब लिमिटेड नहीं है बट ठीक है. एडिक्वेट रेंज में ना वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं. कुछ सिंपल सेंटेंस, कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस थोड़े थोड़े यूज़ करने का कोशिश किया है. होप कि आपको सब क्लियर हो गया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.